तुम? क्या हुआ रानी? मुझे देख के रंग क्यों उड़ गया है तुम्हारा? और ये शॉपर में क्या है? जो कुछ भी है तुमसे मतलब? कहाँ गई थी इतनी रात को तुम रानी? वक्त देख रही हो? हाँ देख रही हूँ, वक्त रात के 10 बज रहे हैं, खाली 3-4 नहीं बज रहे हैं। तुम खोज लगाने लग गई हो मेरी, और एक घर के बाहर जो दरवाजा है ना सालिहा, इसको लॉक लगाने गई थी। ठीक है, देखो रानी, तुम्हारे जो भी शौक है मैं पूरे करूंगी, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दिला के दूंगी, लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, ये सब जो आंख मचोली के खेल है ना, ये बचपन में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जवानी में आके इन सब का अंजाम सिर्फ रुसवाई और बदनामी में होता है। वो समझ गई। अब तुम मुझे एक अहम बात बताओ कि जो मेरे शौक का अंबार है, कैसे पूरा करोगी इन शौक को? कौन सा कानून का खजाना लगा हुआ है तुम्हारे पास? और शहजाद भाई का बिजनेस माशाल्लाह से वो भी ठप हुआ पड़ा हुआ है। अच्छा रानी, तुम ये सब छोड़ो, मैं अभी हानिया घर से आई हूँ, तुम्हारे लिए 3-4 ड्रेसेस भी लेके आई हूँ साथ। कितना कुछ? 3-4? तुम कोई ब्रांडेड सूट उठा के क्या लाई हो? एहसान जताओगी? रानी तुम एक एहसान क्यों नहीं करती अपनी माँ और भाई पे? खुदा का वास्ता है, बंद कर दो ये सब करना। अच्छा मशवरा है, सोचूंगी। इससे पहले एक मजे की बात बताती हूँ तुम्हें, और सुनना। सोले ये जो जवानी होती है ना, इसके दिन पता है कितने होते हैं? 4। और फिर पता है क्या होता है? तुम्हारे जैसा हाल हो जाता है, थप थपा थप थप रोटियां थोपते रहो। तो तुम एक बहुत अजीम काम करो कि अपने काम से काम रखो, कैसा ख्याल? बहुत थक गई हूँ आज मैं शहजाद। क्यों, आज ज्यादा काम कर लिया? हद से ज्यादा काम कर लिया आज मैंने। वैसे मैं आपको कब से कह रही हूँ कि मुझे एक मेड रखवा दें। रखवा दूंगा बाबा, रखवा दूंगा। एक नहीं इनफैक्ट 2 रखवा दूंगा, बस थोड़ा सा मेरा काम अच्छा होने दो। आप बस ना मुझे झूठे ला रही देते रह करें, छोड़े आप, मैं खुद ही रखवा लूंगी। तुम खुद रखवा लोगी? अफोर्ड कर पाओगी? जी कर पाऊंगी, इसीलिए तो कह रही हूँ। और पैसे कौन देगा? तुम्हारा वो ताया? क्यों, ताया अब्बू क्यों देंगे पैसे? हानिया कह रही थी कि वो रखवा देगी मुझे मेड। अच्छा शहजाद सुने ना, दानियाल भाई की शादी के फंक्शन आने वाले हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। वैसे तुम्हारे ताया से मिलने के लिए एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, और हमें गिफ्ट भी उनकी हैसियत के मुताबिक देना पड़ेगा। नहीं गिफ्ट को छोड़ दें आप, मैंने हानिया को कह दिया, वो कह रही थी कि वो दानियाल भाई और फातिमा के लिए गिफ्ट अरेंज कर देगी। हानिया, लगता हानिया की कोई तरक्की हुई है, मेड भी वो अरेंज करके दे रही है, गिफ्ट भी वो महंगे वाला तुम्हें दे रही है,